फ्रेंड्स, अगर आप सभी दांतों की प्रॉब्लम से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, वरना आपको ये रेमेडी समझ में नहीं आएगी और आप बाद में बोलेंगे कि आपको इसके अच्छे से रिजल्ट नहीं मिले। फ्रेंड्स, आजकल इतना ज़्यादा हम लोगों का गलत खान पान हो गया है, जिससे बड़ों से लेकर बच्चों तक को ये सारी प्रॉब्लम फेस करने को मिल रही है। तो दोस्तों, अगर आपके दाँत बहुत ज़्यादा पीले हो गए हैं या फिर आपके दाँतों में कीड़ा लगा हुआ है, दाँतों में बहुत ज़्यादा दर्द है, मसूड़ों में सूजन है या बच्चों को ये सारी प्रॉब्लम है, तो आप इस रेमेडी को उनको भी यूज़ करा सकते हैं। इससे आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे और आपके दांतों की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। 100% कारगर नुस्खा है दोस्तों। तो आपको वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगता है तो वीडियो को एक लाइक, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो इस रेमेडी को बनाने के लिए फ्रेंड्स, सबसे पहले आपको यहाँ पर टूथपेस्ट लेना है। तो जो भी टूथपेस्ट आप करते हैं, यहाँ पर क्लोजअप भी ले सकते हैं, कॉलगेट भी ले सकते हैं, या फिर आप दंतकांति यूज़ करते हैं, या कोई भी अदर आप टूथपेस्ट यूज़ करते हैं, वो टूथपेस्ट आपको यहाँ पर ले लेना है। तो यहाँ पर हम जो रेमेडी बनाएंगे वो 3 से 4 लोगों के लिए बनाएंगे। तो यहाँ पर हम सबसे पहले ले लेंगे टूथपेस्ट। अब आपको यहाँ पर 1/4 चम्मच के करीब लेनी है हल्दी पाउडर। तो ये हमारे दर्द को भी दूर करती है, साथ ही हमारे दाँतों को भी क्लीन करती है। ऐसा नहीं है कि हल्दी है तो ये हमारे दांतों को साफ नहीं करेगी। इसमें कुछ ऐसी चीज़ें हम ऐड करेंगे जिससे हमारे दांत एकदम वाइट हो जाएंगे और दांतों की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और इसके बाद आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैंने लिया है नमक यानी कि सॉल्ट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 3 से 4 पिंच के करीब मैंने यहाँ पर सॉल्ट ऐड किया है, और ये हमारे दाँतों के दर्द को खींचता है और हमारे दांतों को वाइट भी बनाता है। आपने देखा होगा, जब भी हम लोगों के गले में कोई भी प्रॉब्लम होती है, दर्द होता है, तो डॉक्टर भी गले मतलब हमें गरारा करने के लिए बताते हैं गुनगुने पानी से, जिससे हमारा दर्द जो होता है गले का वो ख़त्म हो जाता है। इसी तरीके से ये आपके मसूड़ों की प्रॉब्लम को भी ठीक करता है, मसूड़ों से आपके दर्द को खींच लेता है। साथ ही जो हल्दी होती है वो भी बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होती है हमारे दर्द को खींचने के लिए, सही करने के लिए। तो दोस्तों, जैसे कि आप जानती होंगे, हल्दी जो होती है वो एंटीसेप्टिक का काम करती है। जब भी हमें कोई चोट मोज दर्द वगैरह कुछ भी होता है तो ये हमारे दर्द को ठीक करती है। और इसके बाद आपको यहाँ पर लेना है रोज़ वाटर। तो 1 चम्मच के करीब आपको इसमें रोज़ वाटर ऐड कर देना है। जिन लोगों के मुंह से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है और वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, तो आप इसमें 1 चम्मच रोज़ वाटर ऐड कर दीजिए। इससे आपका जो माउथ है वो बहुत ज़्यादा फ्रेश रहेगा और आपके मुंह से स्मेल भी नहीं आएगी। और इसको आपको बढ़िया से मिक्स कर देना है, और बहुत ही अच्छी तरीके से इसको मिक्स करेंगे। दोस्तों, अगर आपके दाँत बहुत जल्दी आपके दाँतों से ब्लड आने लगता है, या आपके दाँत जो है दर्द होने लगते हैं बहुत जल्दी कुछ भी खाने पीने की वजह से, या आपको बहुत ज़्यादा ठंडा या गर्म लगता है, अगर आप इस रेमेडी को यूज़ करते हैं तो आपकी ये सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। और इसी के साथ आपको यहाँ पर लेना है लेमन जूस। तो आपको यहाँ पर 1/2 चम्मच लेमन जूस लेना है। उसका जो बीज है, बीज को आपको अलग कर देना है। ये हमारे दांतों को एकदम क्लीन करता है। नींबू में सिट्रिक एसिड होता है, साथ ही विटामिन सी होता है, जो कि हमारे दांतों को एकदम क्लीन कर देता है, साफ करता है, और हमारे दांतों की काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम को भी ठीक करता है। अब आपको इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आपको वीडियो में क्लियर दिख रहा होगा। दोस्तों, आजकल हमारे बच्चों को भी ये सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, क्योंकि उनका इतना ज़्यादा गलत खान पान हो गया है। जल्दी से बच्चों के दांतों में कीड़े लग जाते हैं और उनको इतना ज़्यादा दर्द होता है, तब आप इस रेमेडी को उनको यूज़ करा सकते हैं। और इसके बाद आपको यहाँ पर 2 पिंच के करीब लेना है खाने वाला जो मीठा सोडा होता है, वो आपको लेना है, और इसको आपको अच्छे से मिक्स कर देना है। दोस्तों, अगर आप पान गुटखा खाते हैं और आपके दांत बिल्कुल रेड हो जाते हैं पान गुटखा खाने की वजह से, तो आपको इसमें 2 पिंच आपको इसमें मीठा सोडा ऐड करना है। ये हमारे दांतों को बहुत ही जल्दी से क्लीन करता है, दांतों को साफ करता है, और हमारे दांतों को वाइट बनाता है। इससे आपके दांत बिल्कुल क्लीन हो जाएंगे। अब आपको यहाँ पर सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करना है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप यकीन नहीं करेंगे, जब भी मेरे घर में बच्चों को या बड़ों को दाँतों से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम होती है, तब मैं उनको ये रेमेडी ज़रूर बनाकर देती हूँ। और आप यकीन नहीं मानेंगे, उनको इतने अच्छे रिजल्ट मिलते हैं कि कुछ देर के बाद ही उनके दांतों के जो दर्द होता है दांतों का, वो ठीक हो जाता है। साथ ही उनके दांतों की जितनी भी प्रॉब्लम होती है वो भी ठीक हो जाती है। जब भी मुझे कोई भी दांतों में प्रॉब्लम होती है, तब मैं यही रेमेडी यूज़ करती हूँ। तो आपको मैं भी यही बोलूँगी कि अगर आपके घर में बच्चे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम है या बड़ों को प्रॉब्लम है, तो आप इस रेमेडी को ज़रूर यूज़ कराइएगा। 100% ये आपको रिजल्ट देगी। और इसके बाद चलिए इसको यूज़ कैसे करना है, तो आप देख सकते हैं, यहाँ मैंने टूथब्रश लिया हुआ है। तो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट इसके जो दांत होते हैं, बहुत
बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होती हैं, तो आपको इस तरीके से इसको लेना है, जिस तरीके से आप टूथब्रश करते हैं सेम उसी तरीके से आपको करना है उसको। अगर आपके मसूड़ों में दर्द है तो आपको मसूड़ों में भी इसको मतलब अच्छे से मसाज करनी है, हल्के हल्के हाथों में, हाथों से आप चाहें तो उंगली की हेल्प से भी कर सकते हैं। अगर दांत में है तो दांतों में पूरे माउथ पर आपको अच्छे से इसको लगाना है, अच्छे से ब्रश करना है। इससे जितने भी आपके दांतों से प्रॉब्लम होगी, दांतों की सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, दर्द ख़त्म हो जाएगा। अगर आपके मुंह से स्मेल आती है तो वो भी दूर हो जाएगी। अगर आपके दांत बहुत ज़्यादा पीले हैं तो वो भी वाइट हो जाएंगे। तो ये बहुत ही यूज़फुल रेमेडी है, इसको आप ज़रूर यूज़ करिएगा, आपको 100% इससे अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है। एक बार आप इसको ज़रूर अप्लाई करके देखिएगा। तो फ्रेंड्स, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा वीडियो किस जगह से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि मेरा वीडियो कहाँ कहाँ देखा जा रहा है। और अगर आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो वीडियो को एक लाइक करना तो बनता है, और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।